नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABC Tube TV पर। फिंगर एबेकस फ्री कोर्स में लास्ट वीडियो में हमने सीखा है कि -9 के बिग फ्रंट फॉर्मूले का यूज़ हम कब और किस प्रकार से करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे -8 के बिग फ्रंट फॉर्मूले का यूज़ हम फिंगर एबेकस में कब और किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और फिंगर एबेकस के पिछले सारे वीडियो देखे हैं तो आपको मालूम होगा कि हम अपने हैंड्स की फिंगर्स को एज अ एबेकस किस प्रकार से यूज़ करते हैं। लेकिन जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए जल्दी से समझ लेते हैं कि हम 0 to 99 तक की काउंटिंग फिंगर्स पर किस प्रकार से करते हैं। यूनिट प्लेस डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपना राइट हैंड, और टेंस प्लेस की डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपना लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले हमको अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को क्लोज करना है और मुट्ठी बनानी है, और अपने हैंड्स को इस पोजीशन में अपने फेस के सामने रखना है। तो इस पोजीशन में हमारे हैंड्स रिप्रेजेंट करती हैं 0। तो ये हमारा हुआ फिंगर एबेकस पर 0। अब हम ओपन करेंगे अपने इंडेक्स फिंगर। ये होता है 1 2 3 4 5। अब हम अपने चारों फिंगर्स को क्लोज करेंगे और थंब को ओपन करेंगे। फिंगर एबेकस में थंब हमारा रिप्रेजेंट करता है 5 को, 6 7 8 9। अब हमको रिप्रेजेंट करना है 10। 10 में हमारी 1 की प्लेस वैल्यू होती है टेंस और 0 की प्लेस वैल्यू होती है वंस। तो 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए अब हम ओपन करेंगे लेफ्ट हैंड में 1 और राइट हैंड में 0। ये हमारा 10। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार से 30 40 50। लेफ्ट हैंड का हमारा थंब रिप्रेजेंट करता है 50 60 70 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99। तो इस प्रकार से हम अपने हैंड्स की फिंगर्स की हेल्प से 0 to 99 काउंट करते हैं। तो चलिए समझते हैं -8 फिंगर एबेकस पर किस प्रकार किया जाता है। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, बिग फ्रंट हम लेते हैं 10 के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम 10 होता है वो दोनों नंबर एक दूसरे के बिग फ्रंट कहलाते हैं। जैसे 9 प्लस 1 और 1 प्लस 9 इक्वल्स 10। तो 9 का बिग फ्रंट होगा 1, 1 का बिग फ्रंट होगा 9। 8 प्लस 2 2 प्लस 8 इक्वल्स 10। 8 का बिग फ्रेंड होगा 2, 2 का बिग फ्रेंड होगा 8। 7 प्लस 3 3 प्लस 7 इक्वल्स 10। 7 का बिग फ्रेंड होगा 3, 3 का बिग फ्रेंड होगा 7। 6 प्लस 4 4 प्लस 6 इक्वल्स 10। तो 6 का बिग फ्रेंड होता है 4, 4 का बिग फ्रेंड होगा 6। 5 प्लस 5 इक्वल्स 10। तो 5 का बिग फ्रेंड होगा 5। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि हमें -8 के बिग फ्रेंड फॉर्मूले की हेल्प कब लेनी पड़ती है। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 25 -8। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम फिंगर एबेकस पर किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये हुआ हमारा 20, ये हुआ 5। हमारा फिंगर एबेकस पर 25 हो गया। अब हमको करना है 8, लेकिन हमारे राइट हैंड में सिर्फ
थंब ओपन है जिसकी वैल्यू होती है 5 और हमको माइनस करना है 8, तो हम डायरेक्टली 8 माइनस नहीं कर सकते, तो अब हमको हेल्प लेनी पड़ेगी वीक फ्रेंड फॉर्मूले की, जो कि होता है -10 + 2 -10 + 2 आंसर इज 17। तो चलिए कुछ और एग्जांपल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं कि हम -8 के बिग फ्रेंड फॉर्मूले को किस प्रकार से अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 10, ये हो गया हमारा 10 फिंगर अबेकस पर, अब हमको ऐड करना है 6, 6 हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ये हो गया 6 -8, हमको करना है -8, लेकिन हमारे राइट हैंड में सिर्फ फिंगर कितनी है ओपन है 6, हम डायरेक्टली सिर्फ 6 माइनस कर सकते हैं और हमको माइनस करना है 8, तो जिस वैल्यू को हमको माइनस करना है उतनी वैल्यू की फिंगर्स हमारे पास ओपन नहीं हो, तो ऐसे केस में हमको हेल्प लेनी पड़ेगी वीक फ्रेंड फॉर्मूले की। -8 के वीक फ्रेंड का फॉर्मूला होता है -10 + 2 आंसर इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 + 12 + 12 - 8, अभी हमको माइनस करना है 8, लेकिन हमारे पास सिर्फ 7 फिंगर अवेलेबल हैं, तो अब हम -8 डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो अब हमको हेल्प लेनी पड़ेगी -8 के बिग फ्रेंड फॉर्मूले की, जो कि होता है -10 + 2 आंसर इज 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 - 8, अभी हमारे पास राइट हैंड में 8 फिंगर ओपन है, तो हम डायरेक्टली -8 कर सकते हैं +5 आंसर इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, अब हमको करना है -8, राइट हैंड में हमारे पास 8 फिंगर ओपन है, तो हम डायरेक्टली -8 कर सकते हैं, ये हो गया हमारा -8, अब हमको अगेन करना है -8, लेकिन राइट हैंड में हमारे पास कोई फिंगर ओपन नहीं है, तो अब हमको हेल्प लेनी पड़ेगी -8 के बिग फ्रेंड फॉर्मूले की, जो कि होता है -10 + 2 आंसर इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 - 8, राइट हैंड में कितने फिंगर ओपन है, ओनली 6, और हमको करना है -8, तो हम किस प्रकार से करेंगे, तो हम डायरेक्टली कर नहीं सकते हैं -8, तो हमको हेल्प लेनी पड़ेगी -8 के बिग फ्रेंड फॉर्मूले की, जो कि होता है -10 + 2 + 10 आंसर इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35, हमको करना है -8, -8 हम डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ थंब ओपन है जिसकी वैल्यू होती है 5, तो हम -8 किस प्रकार से करेंगे, तब हम हेल्प लेंगे -8 के बिग फ्रेंड फॉर्मूले का, जो कि होता है -10 + 2, अगेन अब हमको करना है -8, लेकिन राइट हैंड में हमारे पास सिर्फ 7 वैल्यू की फिंगर अवेलेबल हैं, तो फिर से हमको बिग फ्रेंड फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी -10 + 2 आंसर इज 19। 16 + 11 - 8 - 10 + 2 आंसर इज 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 + 10 - 8 - 10 + 2 आंसर इज 9। तो हमने पिछली वीडियो में हमने -9 के फॉर्मूले को सीखा था, तो चलिए हम -9 के फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, -8, तो -8 हम किस प्रकार से करेंगे, -10 + 2, अब हमको करना है -9 हम अपने पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, तो -9 के बिग फ्रेंड का फॉर्मूला क्या होता है, -10 + 1 आंसर इज
फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 माइनस 9। थम अवेलेबल है जिसकी वैल्यू क्या है 5 और हमको करना है माइनस 9, तो हम माइनस 9 डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो हम हेल्प लेंगे माइनस 9 के बिग फ्रेंड फॉर्मूले की। तो माइनस 9 का बिग फ्रेंड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 10 प्लस 1 माइनस 8 माइनस 10 प्लस 2 आंसर इज 28। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज हमने सीखा है माइनस 8 के बिग फ्रेंड फॉर्मूले का यूज़ हम फिंगर एबेकस में कब और किस प्रकार से करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा, अगर आपने कुछ नया सीखा है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और आपके फैमिली मेम्बर्स भी फिंगर एबेकस फ्री में सीखें तो आप उनको मेरा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।